ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलवाने को लेकर इंसाफ संस्था के साथ पालमपुर के प्रबुद्ध लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को ज्ञापन सौंपा है। शांता कुमार ने इस मसले पर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिए जाने का मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। कुछ दिन पूर्व इस संदर्भ में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी की ओर आए बयान के बाद लग रहा था कि ये घोषणा जल्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पालमपुर की जनता को ये मामला फिर लटकता दिखाई दे रहा है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलवाने को लेकर इंसाफ संस्था के साथ पालमपुर के प्रबुद्ध लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को ज्ञापन सौंपा। शांता कुमार ने इस मसले पर सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिए जाने का मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। कुछ दिन पूर्व इस संदर्भ में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी की ओर से आए बयान के बाद लग रहा था कि ये घोषणा जल्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पालमपुर की जनता को ये मामला फिर लटकता दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक प्रवीण कुमार की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व सांसद शांता कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग दोहराई है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि पालमपुर के प्रमुख लोगों और इंसाफ संस्था का प्रतिनिधि मंडल मिला है और उन्होंने पालमपुर को नगर निगम बनाने की मांग की है और नगर निगम बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई थी। सरकार ने निर्णय कर लिया था, बीच में कहां रुका इसकी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे प्रदेश सरकार से बात करेंगे, क्योंकि पालमपुर का नगर निगम बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना पालमपुर का विकास नहीं हो सकता। आज ये पालमपुर के प्रमुख लोगों का इंसाफ संस्था और इनका एक डेपुटेशन मिला है और इन्होंने बहुत जरूरी बात एक बार फिर से दोहराई है कि पालमपुर में नगर निगम बननी चाहिए और नगर निगम बनाने के लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई थी। हम समझते थे सरकार ने निर्णय कर लिया है कि नगर निगम बन रही है, बीच में कहां रुकी है इस पर इन सब ने चिंता व्यक्त की है, मुझे ज्ञापन दिया है, मैं इस संबंध में बात करके और सरकार पर भी पूरी की पूरी हम उनसे आग्रह करेंगे कि पालमपुर नगर निगम बननी बहुत आवश्यक है, उसके बिना पालमपुर का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो सकता। वहीं पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से प्रमुख लोगों और इंसाफ संस्था का प्रतिनिधि मंडल मिला है। जब वे 2011-12 में विधायक थे, उस समय पालमपुर को नगर निगम बनाने के लिए बहुत बड़ी कसरत हुई थी और लगभग पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया था, परंतु दुर्भाग्य जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई थी और वह कार्य आज दिन तक अटका पड़ा है। एक आशा की किरण जगी थी और पता नहीं किन किरणों से एक आशा की किरण जागी थी और पता नहीं किन कारणों से ये नगर निगम की अधिसूचना रुक गई। हमने शांता कुमार से विशेष आग्रह किया है कि समय की मांग है, पूरे हिंदुस्तान में विश्व के सबसे छोटे नगर परिषद पालमपुर में है, इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाए। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरदेव श्री शांता कुमार जी से इस साफ संस्था के तत्वाधान में अन्य बुद्धिजीवी वर्ग श्री शांता कुमार से मिला और हमने मांग की है कि पालमपुर नगर निगम, क्योंकि जब बतौर बधाई के नाते हम सत्ता में थे तो उस वक्त 2011-12 में बहुत बड़ी कसरत इसके ऊपर हुई है और लगभग पूरा ड्राफ्ट उस वक्त तैयार हो गया था, वार्डबंदी तक हो गई थी, हदें तय कर ली गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश जनगणना की अधिसूचना जारी हो गई थी और वो कार्य आज दिन तक लटका अटका पड़ा है। अभी एक आशा की किरण जागी थी और पता नहीं किन कारणों से ये नगर निगम की अधिसूचना होते हुए थे रुक गई है। हमने श्री शांता कुमार जी से विशेष निवेदन किया है कि ये एक समय की पुकार है, समय की मांग है कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान विश्व की सबसे छोटी नगर परिषद पालमपुर है,